नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम सवाली के साथ हाजिर है। नाज़रीन हमारे सियासतदान और हुक्मरान हमारे अपने मुल्क और अपनी फौज के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं, और भारत के हुक्मरान और सियासतदान अपने मुल्क और अपनी फौज के खिलाफ एक बात सुनना नहीं चाहते। हमारे वजीर दिफा अपनी ही फौज को धमकी देते हैं, और भारत का वजीर दिफा अभी वो भी पाकिस्तान की फौज को धमकी देता है, और हमारी जो मीडिया में लोग हैं या सिविल सोसाइटी है या नाम निहाद वो लोग जो बदकिस्मती से पाकिस्तानी हैं, कोई मौका नहीं जाने देते हैं हर किस्म के कत्ल व गारतगरी या किसी भी किस्म के इल्जामात से पाकिस्तानी फौज को और एजेंसी को हटने नहीं देते, इल्जामात लगाते हैं, जबकि उनके मुंह के सामने फिर वो कातिल भी पकड़े जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये पाकिस्तान की एजेंसियों का काम नहीं है, लेकिन फिर भी शर्मिंदा नहीं होते। और भारत की जो मीडिया है उनके जो लोग हैं वो एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं अपनी एजेंसी के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ। और यहाँ तक कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भारत के हुक्मरान इतने बड़े बड़े धमकियाँ दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब, अजीत डोवाल साहब, जनाब वजीर दिफा साहब, उनके कौन से आदमी धमकी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारा मीडिया इनको एक्सपोज नहीं करता, इनको दिखाता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं।